हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक डीम्ड एडमिशन पत्र मांगे गए सेशन 24-25 के लिए, जहाँ पे आप 28 सब्जेक्ट्स में 188 सीट के लिए अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ आपका इंटरव्यू कंड कराया जाएगा, जिसके माध्यम से सिलेक्शन ले पाएंगे। एग्जाम आपका कोई होगा नहीं, सिर्फ इंटरव्यू आप देंगे। और यहाँ पे पीजी अपेयरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल है। अगर आप यहाँ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे पीजी अपेयरिंग में है, तो फॉर्म भर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स के जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें भी देखेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये हमारे कोर्स हैं। अगर आपका हाल ही में पीएचडी इंटरव्यू कहीं लगा हुआ है, तो आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी टीम के द्वारा आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी अन्य कोर्स भी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर हम बात करें आपकी यूनिवर्सिटी की, तो गुरुकुल कांगड़ी संघ विश्वविद्यालय हरिद्वार की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन आपकी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप पीएचडी के सेशन 24-25 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए मांगे गए हैं। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये है कि जिन कैंडिडेट्स के पास नेट जेआरएफ, नेट गेट, सीट एंड इसके समान कोई अगर आप एग्जाम क्वालिफाई हैं, तभी यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो जाती है। इसके साथ यहाँ पे ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो आपको हरिद्वार उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन में अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो ये आप देखेंगे लास्ट डेट इसकी जो है वो यहाँ पे 31/7/2024 है, और एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 500 रुपये रखी गई सभी कैंडिडेट्स के लिए। बाकी यहाँ पे काउंसलिंग समय आपको 1100 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस पे करनी रहेगी। अगर हम बात करें आपकी सीट एंड सब्जेक्ट की, तो देखिए ये यहाँ पे मेन सब्जेक्ट में कर दी गई है, टोटल आपको 28 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ पे नीचे हम चलेंगे, जहाँ पे सीट जो है वो सब्जेक्ट जो है वो सीट वाइज भी मैंशन की गई, तो वहाँ पे हम इन्हें देख लेंगे। ये यहाँ पे पॉइंट बताया गया कि कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, जिन कैंडिडेट्स के पास नेट जेआरएफ या फिर नेट या गेट या सीट या इसके समान कोई एग्जाम आप क्वालिफाई हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं सेशन 24-25 में। इसके साथ यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, और ये आपकी बाकी यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना हिंदी में भी दी गई है, तो आप यहाँ पे हिंदी में रीड करना चाहते हो रीड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये डिटेल्स आप सीट एंड सब्जेक्ट दी गई, जो कि यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट भी यहाँ पे दी गई है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए यहाँ पे जैसे आप देखेंगे संस्कृत है, तो अगर आपने संस्कृत में, इसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना वेद या व्याकरण या साहित्य या धर्मशास्त्र में भी किया है, तो आप संस्कृत में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट है, तो फिलोसफी में अगर आपने वेद, संस्कृत, योगा, संख्य, न्याय और मीमांसा, वेदांत, न्याय, ये आप जो सब्जेक्ट दिए गए, अगर आपने इनमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप फिलोसफी में फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इंग्लिश में तो इंग्लिश के लिए ही चाहिए होगा। यहाँ पे जैसे कि हिंदी लिटरेचर या एक सब्जेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ साइकोलॉजी जैसे है, तो साइकोलॉजी में कौन कौन से कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं? जैसे कि आपने अगर अपना पीजी मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन, मेडिकल साइंस, होम साइंस, सोशोलॉजी, योगिक साइंस, साइकैट्री एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, फॉरेंसिक साइंस या फिर साइकोलॉजी या फिर नर्सिंग, अगर आपने इनमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है, तो आप साइकोलॉजी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट के लिए दी गई है, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे संस्कृत की जो आपकी सीट्स हैं वो दो हैं, और वैदिक लिटरेचर की दो सीट्स हैं, फिलोसफी की यहाँ पे कोई सीट नहीं है, इंग्लिश की यहाँ पे भी कोई सीट नहीं है, हिंदी लिटरेचर की 4 सीट हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे योगिक साइंस के यहाँ पे 2 सीट्स हैं, एंशेंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कोलॉजी में आपके यहाँ पे 13 सीट्स हैं। वहीं अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, तो आपकी 5 है, मैनेजमेंट की आपकी 11 है, फिजिक्स की 7 हैं, केमिस्ट्री की 14 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स की 12 है यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस की आप 51 सीट्स के लिए, जूलॉजी में आप यहाँ पे 8 सीट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, उसमें इन्वायरमेंटल साइंस भी आपका दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी बॉटनी की, तो यहाँ पे 15 सीट्स हैं, बायो माइक्रो बायोलॉजी और बॉटनी में दोनों में 15 सीट्स हैं, फिजिकल एजुकेशन में 2 हैं, अप्लाइड साइंस फिजिक्स में आपकी 6 हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री में आपकी 9 हैं, अप्लाइड साइंस में आपकी 3 हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपकी 5 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपकी 4 हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस में आपकी 8 हैं, इकोनॉमिक्स में आपकी यहाँ पे कोई सीट नहीं है, ज्योतिर्विज्ञान एंड वैदिक कर्मकांड में आपकी 1 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी 4 हैं, टोटल 188 सीट के लिए फॉर्म मांगे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे 188 सीट्स हैं, 28 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे देखिए आपका सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा,
तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना नहीं आ रहा है तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपकी रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे दोस्तों अगर आप अपना पीएचडी का टॉपिक नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर ये हमारी ऑफिशियल साइट यहाँ पे दी गई है, आप इस पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। नीचे चलेंगे, बात करें एंड पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन भर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना हम बता देंगे आगे। और यहाँ पे जो यहाँ पे पीजी अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी बात की गई कि आपके पास जो फाइनल मार्कशीट है 30 नवंबर 2024 तक हो जानी चाहिए। एडमिशन प्रोसीजर बताया गया है कि यहाँ पे आपका सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और इंटरव्यू के समय आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपके पास नेट जेआरएफ है तभी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये यहाँ पे जो यहाँ पे बेस दर्शन ये ज्योतिर्विज्ञान है उनमें यहाँ पे बात की गई, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन के बारे में बात की गई है तो यहाँ पे विदाउट एंट्रेंस टेस्ट आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के समय आपके पास एक जो भी रिसर्च इंटरेस्ट एरिया है या फिर जो भी रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए, ये आपके इंटरव्यू के पॉइंट दिए गए जिन पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, आपका उस सब्जेक्ट पे नॉलेज, ये सब यहाँ पे कम्युनिकेशन लेवल, ये सब यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगी जब यहाँ पे अपने काउंसलिंग कराने जाएंगे, तो देखिए जब आप यहाँ पे इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे दी गई है, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। सभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, यहाँ पे एक आप फोटो कॉपी भी ले लीजिएगा, बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। ये यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की बात की गई, तो आप यहाँ पे जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो सर्टिफिकेट भी ले जाइएगा। यहाँ पे फीस की बात करें तो ये आपके यहाँ पे फुल टाइम पीएचडी का फीस स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है, कैटेगरी और कैटेगरी बी, तो आप ये फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। ये फीस आपको पे करनी पड़ेगी जब यहाँ पे आप पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे। बाकी ये फीस आपके यहाँ पे सभी दी गई, अलग अलग आप यहाँ पे इन्हें चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी फीस स्ट्रक्चर हो जाता है। बाकी यहाँ पे ये पार्ट टाइम की फीस है, तो यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए तो आवेदन नहीं दिखाया कहीं पे, लेकिन ये फुल टाइम की जो पीएचडी की फीस है वो यहाँ पे बता दी गई है, तो आप इस फीस को भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आपके पॉइंट्स भी लगभग सभी हो जाते हैं और नोटिफिकेशन भी यहाँ पे हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम ऑफिशियल साइट पे आएंगे। ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। और आपको जो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन यहीं पे ऊपर आएंगे तो ये एडमिशन का पेज बनाया गया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप ये देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है ये यहाँ पे दिया गया जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। बाकी आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अपनी सब्जेक्ट और ये सब यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आप यहाँ पे साइन अप कर पाएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीट कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को कैसे भरना है ये भी यहाँ पे आपको हो जाता है। अब इस नोटिफिकेशन में आपकी पीएचडी से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपको पीएचडी एडमिशन के जो ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म है आप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे नीचे आएंगे, और कोर्स दिए गए जहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऊपर भी ये और कोर्स दिए गए, पीएचडी पीआईक्यू भी आप हमारे ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए पीएचडी पीआईक्यू दिए गए अलग अलग यूनिवर्सिटी से, एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी विथ आंसर ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि आप यहाँ पे मिनिमम एक परचेज के साथ इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको अपने इंटरव्यू एग्जाम में बूस्ट मिलेगा जिसे आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप यहाँ डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे RS50 पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिए गए, आप इन्हें डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों अब इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो गए, तो हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे कर नोटिफिकेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।